हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे टॉसामाइड टैबलेट के बारे में, इसके यूज़ साइड इफेक्ट के बारे में और कैसे काम करती है, इसकी डोज क्या लेनी है, तो सब जानेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी ब्रांड के बारे में, किस नेम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। लेटोलिक्स 10, इसको ल्यूपिन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। टाइड 10, इसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। टोराइड 20, इसको रैनबैक्सी लेबोरेटरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। डाइटोर प्लस 10, इसको सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये थी वो ब्रांड जिस नेम से मेडिकल स्टोर में मिल जाती हैं। तो अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। टॉसामाइड टैबलेट एक डायरोटिक्स ड्रग होती है, इसका यूज़ एडिमा में होता है। एडिमा क्या होता है, कहीं पर भी बॉडी में पानी भर जाता है, लंग्स में, किडनी में, हाथों पैरों में, कहीं पर भी बॉडी में पानी भर जाता है, तो उसको ये निकालने का काम करती है। टॉसामाइड बॉडी से पानी को निकालने का काम करती है, तो इसको डॉक्टर इसका इसमें यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर में भी होता है, जब जब बॉडी में कहीं पर पानी भर जाता है तो उससे हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, तो डॉक्टर इसको हाई ब्लड प्रेशर में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसका यूज हार्ट फेल, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज में भी किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, वोमिटी, उल्टी आ सकती है, न्यूजिया, गैस बन सकती है, अपसेट स्टमक। और लो ब्लड प्रेशर वालों को नहीं लेना, इससे लेने से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये पानी को निकालने का काम करती है, इसको लेने के बाद अगर इसकी ओवरडोज हो जाती है तो पानी की कमी भी शरीर में हो जाती है, तो इसके यही साइड इफेक्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं ये काम कैसे करती है, इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। जब भी आप टॉसामाइड लेते हैं, ये एक डायरोटिक्स ड्रग होती है, इसका काम क्या होता है, ये बॉडी में जो साल्ट होता है उसको ये एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। वो साल्ट कोई सा भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, कोई सा भी साल्ट हो, ये बॉडी में साल्ट को एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। ये नमक का एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जब साल्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो वो यूरिन के द्वारा निकल जाता है, तो इसीलिए इस मेडिसिन को लेने के बाद ज़्यादा पेशाब आता है, तो ये ऐसे काम करती है। तो अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, किन लोगों को ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, और जिनकी शरीर में पानी की कमी होती है उनको भी ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। एंड और प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती हैं, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उनको भी इसका मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। और अगर आपकी किडनी फेल है तो भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है, तो ये सावधानियाँ आपको रखना होती हैं। तो अब बात करते हैं इसके डायरेक्ट इंट्रेक्शन के बारे में। डाइसोपैरामाइड, पोटेशियम सप्लीमेंट, स्टोराइड, एस्पिरिन, एमिकासीन, एम्लोडिपिन, वारफीन, फ्रूसामाइड। तो ये थी वो दवाएं जो इस मेडिसिन को लेने के बाद नहीं लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसकी डोज और प्राइस के बारे में, क्या डोज लेनी चाहिए इसकी। तो इसकी डोज, तो टॉसामाइड की जो स्ट्रेंथ आती है 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, इसकी स्ट्रेंथ में मार्केटिंग में अवेलेबल होती है, और इसको डॉक्टर पेशेंट के नीड के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसका प्राइस डाइट्रोड 10 मिलीग्राम 60 रुपये का स्ट्रिप मिल जाता है, जिसमें 15 टैबलेट होती हैं। तो दोस्तों यही थी इसकी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।